देश में खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली जैसे तमाम इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। वहीं यूपी में इन दिनों हालात खराब है। दरअसल यूपी में न सिर्फ भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली विभाग ऐसी कटौती कर रहा है जिसके बाद जनता सड़कों पर है। यहां तक कि बिजली विभाग के खुद हाल खराब हैं। यहां के ट्रांसफार्मर गर्मी से उबल रहे हैं। उनको बचाने के लिए, उनमें फॉल्ट ना आए इसके लिए बाकायदा कूलर लगाए जा रहे हैं, उनमें एग्जॉस्ट से हवा मारी जा रही है, पानी डाले जा रहे हैं। और इन सब तमाम कवायदों के बीच भी राजधानी समेत पूरे यूपी में बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर आ चुके हैं। इसके अलावा कई जगह तो कानून व्यवस्था के ऊपर भी ये बिजली विभाग की जो कारगुजारी है वो भारी पड़ रही है, क्योंकि कई इलाकों में न सिर्फ तोड़फोड़ हो रही है बल्कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे लखनऊ से लेकर के सोनभद्र, जो कि यूपी का सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक है, वहाँ तक भी हालात खराब हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बिजली कटौती को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच में राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में बीते दिनों लगातार बिजली कटौती से न सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि व्यापारी भी सड़क पर उतरकर बिजली विभाग और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ चुके हैं। इसके अलावा गांव तो गांव, कस्बों और जिलों के मुख्यालय में भी बिजली के अंधाधुंध कटौती हो रही है, जिसके बाद लोग तरबतर होकर के घूम रहे हैं और गर्मी से तड़प रहे हैं। वहीं रात में भी कई घंटों तक बिजली चली जाती है, जिसके चलते लखनऊ के चौक, नाका और चारबाग के इलाकों में लोग बेचैन होकर सड़कों पर उतरे और बिजली विभाग के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। इसके अलावा कई इलाकों में पावर हाउस में पहुंच करके लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ भी किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बुधवार को दोपहर तक तो बिजली की आपूर्ति कुछ ढंग से ठीक थी, लेकिन बुधवार को जिस तरीके से लखनऊ और इसके अलावा आगरा, बरेली, कानपुर तमाम शहरों में जिस तरह से बिजली काटी गई, उसके बाद लगातार लोगों ने संपर्क किया, अधिकारियों को फ़ोन करते रहे, बिजली विभाग के पावर हाउस में लगातार फ़ोन की घंटियां बजती रहीं, लेकिन घंटों की कटौती से कोई उन्हें वाजिब जवाब नहीं मिला। इसके अलावा रात के 2 बजे की आपूर्ति भी बदहाल हो गई और इसीलिए पूरे यूपी में दोपहर के वक्त ट्रांसफार्मरों के ऊपर पानी डाला जा रहा है। यहाँ तक कि कूलर लगाए गए हैं ताकि डिमांड पूरी होने तक इनको ठंडा रखा जा सके और किसी तरह के ब्लास्ट या फिर पावर कट से रोका जा सके। आपको बता दें कि 28,000 मेगावाट के इर्द गिर्द की अधिकतम मांग बीती रातों में थी, लेकिन अब ये 29,072 मेगावाट तक पहुंच गई है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच में बिजली का लोड भी अचानक बढ़ गया है, जिसकी वजह से बिजली कटौती की समस्या आम हो गई है। बीते मंगलवार को बिजली विभाग के जिम्मेदारों पर यह सब भारी भी पड़ा, क्योंकि सुबह से ही बिजली कटौती का सिलसिला जारी हुआ और देर रात तक चलता रहा। बुधवार सुबह तक चला और भीषण गर्मी के बीच बेतहाशा बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में तो एक तस्वीर ऐसी भी आई जब एक व्यक्ति, या यूं कहें एक बुजुर्ग, सड़क पर आकर के लेट गया और उसने कहा कि लगातार बिजली विभाग टाइम पर टाइम दे रहा है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद बिजली आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसी बीच में तमाम लोग लालकुआं, चारबाग, पानदरीबाग, गणेशगंज समेत तमाम इलाकों में लखनऊ के बिजली चले जाने से सड़कों पर लोग दिखाई दिए। वहीं इस बिजली की कटौती को लेकर के लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस हर जगह तैनात की जा रही है और पुलिस विभाग के लोग, अधिकारी लोगों को समझा करके उन्हें वापस घर में जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे चुनौती बताया है। AK शर्मा ने एक्स पर लिखा कि प्रचंड गर्मी के कारण इस समय यूपी में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, साथ ही इतनी आपूर्ति भी कभी नहीं हुई। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कल रात हमने 29,282 मेगावाट की ऐतिहासिक आपूर्ति की। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। विद्युत कर्मी लगातार दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं। आपका सहयोग और बिजली का संयमपूर्ण उपयोग आवश्यक है। यानी एक तरह से ऊर्जा मंत्री लोगों से ही अपील कर रहे हैं कि कम से कम बिजली जलाएं और जितना हो सके, जितनी ज़रूरत हुई उतना ही बिजली का
उपयोग करें, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे यूपी में हालात ऐसे हैं कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, क्योंकि पूरा बिजली का बिल और महंगी बिजली खरीदने के बावजूद भी अगर गर्मी में उनके बच्चों और उनके परिवारों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़े तो फिर ऐसी बिजली का क्या काम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।